हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं राम बाबू सभी आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं आज बात करूँगा कूलिंग टावर के बारे में। कूलिंग टावर क्या है, कूलिंग टावर के कैसा चलता है, कूलिंग टावर का क्या क्या काम होता है, कूलिंग टावर कहाँ कहाँ पे लगता है और कूलिंग टावर का मेन कारण काम क्या है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। कूलिंग टावर, व्हाट इज़ कूलिंग टावर, कूलिंग टावर क्या है, कूलिंग टावर के बारे में आज बात करेंगे। कूलिंग टावर, कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना और टावर का मतलब होता है कि खराब कुछ भी हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, ये सब हो गया, तो उसको ठंडा करने के कूलिंग टावर लगता है। तो आज बात करेंगे कूलिंग टावर के बारे में। कूलिंग टावर का नाम भी हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर मतलब हीट जो रहता है उसको एक्सचेंज करता है। हीट मतलब हीट को बाहर निकलता है और अंदर कूलिंग लाता है। तो टू टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर हो गया। तो ये अपना कूलिंग, ये एक कनेक्ट टाइप हो गया हीट एक्सचेंजर डायरेक्ट हो गया, और एक नॉन डायरेक्ट हो गया, नॉन कनेक्ट टाइप हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पे लगता है कूलिंग टावर, कहाँ कहाँ पे लगता है, जैसे कि अमोनिया का बड़ा प्लांट हो गया तो उसमें कूलिंग टावर, बहुत बड़ा बड़ा कूलिंग टावर लगता है। और अब कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें भी कूलिंग टावर लगता है। जैसे मॉल हो गया, मॉल में बहुत बड़ा मॉल रहता है, उसमें भी कूलिंग टावर लगता है। अपना ये आइस प्लांट हो गया, कोल्ड स्टोर हो गया, या केमिकल प्लांट हो गया, उसमें भी कूलिंग टावर लगता है। हर जगह कूलिंग टावर लगता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है, बड़ा बड़ा ऑफिस रहता है, उसमें भी कूलिंग टावर लगाना पड़ता है। कितने प्रकार का होता है, तो कूलिंग टावर अपना एक नेचुरल कूलिंग टावर होता है और मैकेनिकल होता है। एक नेचुरल कूलिंग टावर होता है, एक मैकेनिकल कूलिंग टावर होता है। और मैकेनिकल कूलिंग टावर में एक फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, और एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है। तो ये हो गया। तो अभी अपन चालू करेंगे इसके कूलिंग टावर के बारे में। नेचुरल कूलिंग टावर है, जैसे कि इसमें अपना अमोनिया हो गया, उसमें बहुत बड़ा बड़ा कूलिंग टावर रहता है, तो नेचुरल रहता है। तो नेचुरल में क्या रहता है, ये हो गया नेचुरल, हाँ, कूलिंग टावर, ठीक है। तो नेचुरल कूलिंग टावर में क्या रहता है, मैं आपको ये फोटो बना कर दिखाता हूँ। ये नेचुरल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ये नेचुरल हो गया। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें ये बेस हो गया आपका, ये बेस हो गया, ठीक है, और इसमें ये वाटर हो गया, कूल्ड वाटर हो गया, कूलिंग वाटर हो गया इसमें, ठीक है, ये कूलिंग वाटर हो गया, ये हो गया कूलिंग वाटर, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, इसमें एक तो ये यहाँ पे फिंग्स रहते हैं, उसको फिंग्स बोलते हैं, ये फिंग्स रहेगा, ठीक है, ये फिंग्स रहता है। फिंग्स में मैं आपको समझाता हूँ कैसे फिंग्स रहता है। फिंग्स में होल रहता है, होल ऐसा होल रहता है, थोड़ा सा क्रॉस होल रहता है, मतलब यहाँ से अगर एयर घुसे तो इधर पानी रुक जावे, और ऐसा पानी ऊपर ना जावे, पानी नीचे ही रुक जावे। और दूसरा रहता है, यहाँ पे पानी का लाइन रहता है। अब ये जितना बड़ा कूलिंग टावर है उसके हिसाब से पानी रहता है, तो यहाँ पे सावर चलता है, ठीक है, ये हो गया सावर। सावर मतलब वो अपना जो घर में रहता है ना सावर, वैसा सावर रहता है, स्प्रिंडल उसमें वो लगा रहता है, स्प्रिंडल से वो पानी, मतलब पानी एक जगह इकट्ठा आता है, पानी इकट्ठा आने के बाद टूट जाता है, मतलब बिखर जाता है, तो इसके लिए स्प्रिंडल रहते हैं। और ये इधर से पानी नीचे गिरता है, तो यहाँ पे नीचे गिरता है, तो ये जो चीज़ है फिंग्स, इसको फिंग्स भी बोलते हैं, ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, सरफेस पैकिंग, ये सरफेस हो गया, ये पैकिंग हो गया, ठीक है, ये सरफेस पैकिंग हो गया। इधर भी आपको एक सरफेस पैकिंग लगेगा, ये सावर लगने के बाद यहाँ पे भी एक सरफेस पैकिंग लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक पैकिंग लगता है। ये जैसा पैकिंग लगता है कि मतलब इसमें पानी बाहर ना जावे, पानी अंदर ही रह जावे, ड्राफ्ट
फिलिमेंट्स लगता है, ट्रैप फिलिमेंट वही वो अपना फिंग्स लगता है, ट्रैप फिलिमेंट भी फिंग्स भी बोलते हैं, फिंग्स ठीक है, फिंग्स भी बोलते हैं। तो ये पानी इधर से ऊपर नहीं जाता है और ये इधर से ये खाली हॉट जो हॉट रहता है वो निकलते जाते हैं। जैसे ये अपना पुराना जैसे पतरा रहता है, पतरा में जो वो गोल गोल घूमता है वो वही कूलिंग टावर का ही नेचुरल काम करता है। और उसमें मतलब अंदर का जो वो अंदर जो हीट रहता है वो उधर से ऑटोमेटिक हीट हवा जो गर्म होता है हल्का हो जाता है, हल्का होने की वजह से वो हवा ऊपर उठता है और वो जो गोल घूमता है उससे वो ऊपर निकल जाता है। सेम वो उसमें भी ऐसा ही है। तो इसमें कूलिंग टावर में क्या रहता है, मान लीजिए इधर मेरे पास ये सेलेंट ट्यूब हो गया, अभी इसके हिसाब से वो बहुत बड़ा कंडेंसर लगेगा, तो ये अपना सेलेंट ट्यूब हो गया ठीक है, ये सेलेंट ट्यूब हो गया, ये मेरा सेलेंट ट्यूब हो गया ठीक है। अभी इसमें एक इनलेट रहता है एक आउटलेट रहता है, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया, इनलेट हो गया और आउटलेट हो गया। तो इसमें क्या रहता है, इसमें यहाँ पे भी एक पंप लगेगा ठीक है, ये पंप हो गया, ये पंप हो गया और ये ठंडा पानी खींचता है, और ठंडा पानी खींचता है और ये इधर से ठंडा पानी खींच के इधर सेलेंट ट्यूब को देता है, कंडेंसर को देता है, और ये फिर कंडेंसर ठंडा पानी अंदर से आके फिर ये इसको पूरा ये गर्म रहता है, गर्मी इसको इसका निकाल के वापस ये इधर कूलिंग टावर को भेज देता है, कूलिंग टावर को भेज के वापस ये फिर वैसा प्रक्रिया इसका चालू रहता है और ये वैसे काम करता है, कूलिंग टावर सेम वैसे काम करता है। तो ये तो हो गया अपना नेचुरल वाला ठीक है, ये नेचुरल वाला हो गया। और दूसरा ये है कि यहाँ से जगह खाली रहता है, ये ना इधर जगह खाली रहता है हवा के लिए, मतलब इधर से पानी गिरेगा और इधर हवा अंदर आएगा, हवा अंदर आने के बाद वो हवा और पानी मिक्स हो जाएगा और वो गर्मी जो है हीट वो बाहर ऊपर चला जाएगा और हवा का और मिक्स करके पानी से मिक्स करके फिर ये ठंडा पानी जो है ये नीचे आके रह जाएगा और गर्म पानी इधर से ऊपर निकल जाएगा। तो ये हो गया अपना नेचुरल, नेचुरल मतलब इसमें और कुछ नहीं करना है, नेचुरल तरीके से वो अपना कूलिंग टावर काम करेगा। और दूसरा फोर्स कूलिंग टावर है तो इसके बारे में बताएंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, खाली अपना डिज़ाइन खाली चेंज हो जाता है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। तो इसमें क्या रहता है फोर्स वाले में, अभी मान लीजिए ये कूलिंग टावर हो गया ठीक है, तो ये कूलिंग टावर हो गया तो यहाँ पे एक फ़ैन लग गया, यहाँ पे ड्रम लग गया और ये फ़ैन लग गया और इधर से भी ये फ़ैन लग गया। तो फोर्स कूलिंग टावर जो रहता है ये इधर से हवा खींचेगा और ऊपर को फेंकेगा, इधर से हवा खींच के ठंडा हवा खींच के पानी से होके और ये ऊपर को जाएगा, तो इसको फोर्स कूलिंग टावर बोलते हैं, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं। इधर से हवा खींच के और इसको पानी को ठंडा करके और ये गर्म हवा ऊपर चला जाएगा, इसको फोर्स बोलते हैं। और दूसरा है इंड्यूस्ड में ये नेचुरल हो गया, अभी हमने बात किया फोर्स कूलिंग टावर ठीक है, कूलिंग टावर, अभी तीसरा अपना बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड कूलिंग टावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसा रहता है, ये फोर्स वाला इधर नीचे फैन आ गया, नीचे से ऐसे दबा के फिर हवा ऊपर को जाता है। और दूसरा इंड्यूस जो रहता है तो ये यहाँ पे फैन रहता है, देखिए ये यहाँ पे फैन रहेगा, यहाँ पे फैन रहता है ठीक है, यहाँ पे फैन रहेगा और ये हवा ये इधर ओपन रहेगा ठीक है, इधर खुला रहेगा और इधर कुछ आप इधर ना कुछ जाली बिली लगा देते हैं कि इधर से जाली बिली लगा देते हैं कि अंदर कचरा ना जावे ठीक है, इधर जाली लगा देते हैं इधर से अंदर कचरा ना जावे और ये
ऊपर फैन रहता है हैंड यूज के लिए, तो ऊपर इधर से हवा खींचा और ये गर्म पानी ठंडा पानी ऐसे मिक्स हुआ, हेयर से कॉन्टैक्ट किया और हॉट जो वाष्प है हवा है वो ये ऊपर से वापस निकल जाता है। तो ये तो हो गया अपना नेचुरल बताया, फोर्स बताया, इंड्यूस्ड बताया। अभी अपन बात करेंगे लास्ट जो बात कर रहे थे उसके बारे में, बात करेंगे अपन एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर कूलिंग टावर के बारे में। तो वो एटमॉस्फेयर वो पानी के लिए भी यूज़ होता है और कूलिंग टावर के लिए भी यूज़ होता है ज़्यादा इंडस्ट्रियल में सब। तो ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर कूलिंग टावर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या डिज़ाइन रहता है, इसमें डिज़ाइन रहता है ये अपना हो गया, वो लंबा रहता है, ये बेस हो गया, ठीक है, और ये ऊपर का हो गया। इसमें क्या रहता है, इसमें मतलब ये खांचा खांचा रहता है मतलब इधर से अगर ये चलेगा और पाइप रहता है तो इधर से भी ये इसमें शावर चलेगा, ठीक है, शावर चलता है ऐसा। और ये जैसे क्रॉस में लगा रहता है ना, ये अंदर रहेगा मतलब पानी बाहर नहीं आएगा, इसके लिए ये बाहर तक अंदर तक थोड़ा सा रहेगा, पट्टी विट्टी जो लगा रहता है उसमें प्लास्टिक का रहता है, लोग पत्रे का भी रहता है, तो ये लगा रहता है। तो ये जैसे पानी इधर से गिरा ना, अपने आप इधर से हवा आएगा और गर्म का पानी है ना, तो ये इधर पानी गिरता रहेगा, इधर इधर ऐसा ऐसा पानी गिरता रहेगा। तो ये ठंडा पानी रहता है, ठीक है, ठंडा पानी रहता है। तो ये पंप इधर से खींचेगा, पंप खींच के फिर सिस्टम को देगा और सिस्टम फिर वापस इधर वो बेस अपना चालू रहेगा। तो ठीक है, कूलिंग टावर के बारे में मैंने आपको बताया, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबों का, आपका दिन शुभ, थैंक यू।